तो सारे गिफ्ट मम्मी मैं इनकी पिंकी पोंग की ये वाला दे दूं। हाँ हाँ रख ले रख ले, वैसे भी तेरी मुंह दिखाई कहाँ हुई थी, उसी का गिफ्ट समझ के रख ले। और सगन शर्म आनी चाहिए मम्मी जी, सिर्फ 201 रुपए, मतलब गंगा मैया की कसम आपके आस पड़ोस वाले बड़े कंजूस से हैं। नहीं मतलब ये तो हमारे यहाँ तो मुंह दिखाई की रस्म में शुरुआत ही 500 के पत्ते से होती है। तभी तो इसकी मुंह दिखाई नहीं हुई आपके यहाँ। बैजू चाय लेके और पकोड़े भी। जानकी जी ये सब क्या? अरे अभी कुछ देर पहले मेरा अनुज कह के पूरा घर सर पे चढ़ा रखा था और अब मैं ये सब देख रहा हूँ। मैं कब से अनुज को फोन लगा रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा। सच मानिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे कहा है ना कि अर्जुन गया है ना अनुज को लाने, तो चिंता कम हो गई है। देखना आप, अर्जुन हीरो बनकर अपने अनुज को वापस ले आएगा। दिखाई दे रही है कितनी चिंता है आपको। ननन जी ताने देने हैं तो जोर से दीजिए ना। भाभी ताने नहीं दे रहे हैं हम, पर आप जो कर रही हैं नजर आ रहा है। ब्राह्मण भोज हम कैसे, हमें तो पानी उबालना भी नहीं आता। अरे रिलैक्स, जानकी सब जानती है। काहे चिंता करती हो, हम हैं ना तुम्हारी मम्मिया सास, बस तुम इधर उधर हाथ लगा दो, बाकी हम सब देख लेंगे। फिर भी इतने लोगों का खाना, ओफो। आज तैयारी कर लेंगे, कल भोज कर लेंगे, बस तुम एक बढ़िया सी साड़ी पहन लो और सुंदर दिखो। साड़ी क्यों? हे इतने सारे लोग आएंगे, तुम ऐसे ही जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? और तुम किसकी बेटी हो? साहिब जी की। अच्छा थोड़ी ना लगेगा, बस तुम एक अच्छी सी साड़ी पहनो और सुंदर दिखो। Get set ready. दे दीजिए खुशखबरी मामी जी, अभी तो मन में लड्डू फूटेंगे। आज हमने अगर चांदनी की अकल ठिकाने नहीं लगाई ना, हमारा नाम भी अर्जुन शर्मा नहीं।